मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 1921 में काम करके, क्योंकि ये जो फिल्म मैंने की है वो एक चैलेंज के तौर पे की है. मैं जो हूँ वो हॉरर फिल्म्स नहीं देखती हूँ, मुझे खुद डर लगता है हॉरर फिल्म्स देखने के लिए. और ये फिल्म में मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ, रोज़ नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो रूहों को देखती है, उनसे बातें करती है, उनकी मदद करती है. So it was a challenge, and of course one of the major reasons of being very happy of doing this film is that meko Vikram sir ke sath kaam karne ka mauka mila, aur main hamesha se unki bahut badi fan thi. Mujhe ye quality nazar hai ki he exactly knows unko kya banana hai, uske dimag mein unki picture ऑलरेडी बन चुकी है. सो दैट इज़ हाउ ही हैज़ अ वेरी क्लियर विजन ऑफ हाउ हिज कैरेक्टर्स आर सपोज टू लुक, हाउ अ पर्टिकुलर सीन इज सपोज टू लुक, वेयर इट हैज़ टू बी शॉट, एवरीथिंग इज क्लियर. एंड यू नो ही हैज़ सच अमेजिंग नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट खुद ही. उन्होंने यू नो पैरानॉर्मल चीज़ें, सुपरनैचुरल चीज़ें, साइकिक साइंस, इन सब के बारे में खुद स्टडी की है. सो ही हैज़ अ वेरी deep understanding of these things. So when he comes to explain to you of a certain thing or something, wo bahut acche se explain kar pate hain. And of course I'm a fan of his because he is an ocean of knowledge. I mean ab kisi bhi topic pe unse baat kar lo, you will be able to have an interesting conversation. बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सेक्स से रिलेटेड फिल्म नहीं है. आपने प्रोमोज देखा होगा अभी तक का कि यू सी नथिंग इरोटिक और सेक्सुअल हैपनिंग इन द फिल्म. इट इज अ वेरी प्योर ब्यूटीफुल सोलफुल लव स्टोरी दैट वी हैव डिपिक्टेड हियर. इस फिल्म को लेके काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो ट्रेलर आया है, गाने आए हैं फिल्म के, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. हमने फर्स्ट ड्राफ्ट देखी है फिल्म का, तो परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, एंड द होल फिल्म इज़ अ मेक. एक हॉरर फिल्म होने के बावजूद इट्स अ फील गुड फिल्म, यू नो. सो आई एम वेरी पॉजिटिव. मुझे भूतों से डर लगता है जी. मैं इंदौर में थी थोड़े साल पहले, आई थिंक जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, आई थिंक 2011 और समथिंग, एंड मैं इवेंट के लिए गई थी इंदौर. और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आई वाज बैक इन माय होटल रूम व्हिच वाज अ स्वीट, और वो हॉल था, फिर एक ग्लास पार्टीशन था और बेडरूम था. आई वाज इन माय बेडरूम ऑन माय बेड वॉचिंग टीवी, और ये ग्लास पार्टीशन के बाद हॉल का भी टीवी था. तो व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी अचानक से वो टीवी ऑन हो गया, एंड देयर वाज नोबडी इन द रूम टू टर्न इट ऑन. सो आई वाज वंडरिंग कि हुआ कैसे. तो पहले तो बहुत डर लगा कि मैं जाके बाहर देखूँ भी कि नहीं देखूँ, क्या करूँ. बट आई वेंट आउट इन द हॉल और मैंने वो टीवी बंद करके, टीवी के सामने ही सेंटर टेबल था, सेंटर टेबल के राइट सेंटर में मैंने रिमोट रखा, एंड आई रश्ड टू गेट बैक इन द रूम. तो जैसे मैंने नॉक खोला रूम के दरवाजे का, वो रिमोट फिर गिर गया. ओके. तो दिस वाज आई डोंट नो, मे बी इट इज व्हाटएवर, बट आई रियली फाउंड इट वेरी ईरी बिकॉज देयर वाज नो रीजन फॉर दिस टू हैपन. एंड उसके बाद आई हैव कम बैक टू माई रूम एंड आई हैव जस्ट बीन अंडर वन ब्लैंकेट द होल नाइट ट्राइंग टू एस्केप द घोस्ट. सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतने कम टाइम में इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है. दैट टुडे आई एम हियर, एंड आई वुड ओनली से कि हैव फेथ इन योर सेल्फ. यू नो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, आपको सबके ओपिनियन सुन के अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है. अपने अंदर फेथ रखें, अपने हिस्से का हार्डवर्क करें, एंड आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. Hi, this is Kamya Punjabi and you're watching me on GlitzVision. Do follow the channel, subscribe it now.